सुमेरपुर से। प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था होते हुए भी महिला एवं बालिका सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाली जिले के सुमेरपुर के तखतगढ़ थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक रिश्तेदार की शादी नहीं होने के कारण एक महिला ने नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर तीन युवक के साथ में मिलकर उसका तखतगढ़ से अपहरण कर लिया। पुलिस को इसकी भनक तब लगी जब उसकी माँ गिड़गिड़ाती हुई थाने पर पहुंची और माँ ने थाने पहुँच कर थाना अधिकारी से पूरी आपबीती सुनाई, जिसको लेकर तखतगढ़ पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में तत्परता दिखाते हुए जिले भर सहित आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी करवाई। इस मामले को लेकर थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पाली जिला प्रमुख अधीक्षक कालू राम रावत के निर्देशन में एक महिला की रिपोर्ट पर अपराधियों की तलाश में नाकाबंदी करवाई, जिस पर देवगढ़ पुलिस ने उन्हें पकड़ा, जहां पर तख्तगढ़ पुलिस देवगढ़ पहुंचकर चारों आरोपी व नाबालिग को दस्तयाब कर थाने लाए। पुलिस ने आरोपी महिला रेशमा अजमेर के करला निवासी अरविंद सिंह पुत्र मंगला सिंह रावत, बदनौर के शीतला का बड़ा निवासी मदन सिंह पिता बाबू सिंह रावत, अजमेर जिले के खरवा निवासी राजेश पवार पुत्र रूपल पवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला सहित चारों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की पुलिस अभी जांच कर रही है। कल दोपहर को तखतगढ़ के अंदर एक लड़की के अपहरण की सूचना मिली थी पुलिस को। उसकी मां ने आके मौखिक रूप से बताया था कि मेरी लड़की को एक यहीं की रहने वाली दूसरी लड़की, जिसने अपनी शादी ब्यावर में कर रखी है, वो मेरी लड़की को एक अर्टिगा कार के अंदर लेके चली गई, जिसके साथ दो तीन लड़के हैं। इस पर तुरंत ही मुखबिरी व तकनीकी सहायता से गाड़ी को ट्रेस आउट किया और भीम पुलिस थाना के अंदर उस गाड़ी को हमने दस्तयाब करवाया। पीछे से पुलिस टीम भेजी, वो पुलिस टीम आज उसको लड़की को और उनके साथ में जो गए थे वो सबको लेकर आए हैं। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, कार्रवाई जारी है। कौन लड़के थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या है? तखतगढ़ की ही नाबालिग लड़की थी, 18 साल में 10-15 दिन उसके कम थे, वो नाबालिग लड़की थी और उसको शादी की नींद से बाहर।